जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आराध्य दैवत छत्रपति शिवप्रभूंना मी वंदन करते। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देखील अभिवादन करते। हिंदुहृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मनाचा मुजरा। व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर व्यक्ति आणि माझ्या समोर उपस्थित सर्व मुंब्राकर वासीय, सारी मुंब्रा की जनता को प्रणाम सलाम। मराठी नहीं हिंदी में ही बात करूंगी, मुझे पता है आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी मराठी। वैसे भी हिंदी अच्छा बोल रही हूं। मेरी हिंदी अभी सुधर रही है, दोनों में बात करती हूँ, कोई बात नहीं। अभी शानू भाई ने बोला है ना, मराठी और हिंदी दोनों में बात कीजिए। शानू भाई बस एक कीजिए, आपका संघर्ष जो है ना वो भी मेरे साथ रहे। ज्यादा अच्छा होगा। शानू भाई ने अभी जब बात कही थी तभी उन्होंने बोला था कि कलवा में जो एक मीटिंग हुई वहां पे मंच पे कहा गया कि मुंब्रा वासी कैसे है, अतिरेकी है, बोला ना टेररिस्ट है, ऐसे बोला गया। और सब मंच पे बैठे हुए जो नगर सेवक थे मंच पे बैठे जो नगर सेवक थे भाई सुनिए तो, मंच पे बैठे जो नगर सेवक थे वो चुप थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला भाई, कैसे बोलेंगे? जिनके गले में पट्टा बांधा हुआ होता है, जिनके गले में पट्टा बांधा हुआ होता है उनको जब खींचा जाता है कि अभी भोग, तभी वो भोगता है। और जब बोलता है चल अंदर तब वो चला जाता है, जाता है ना। तो ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने पट्टा बांध दिया है। लेकिन हम सब खुले हुए हैं, हमने किसी का पट्टा अपने गले में बांधा हुआ नहीं है। और ये बात हम कह सकते हैं, महंगाई की मार हुई, दंगों की मार हुई, क्या क्या नहीं बोला। मस्जिदों पे लाउड स्पीकर मत लगाओ, लेकिन मुसलमान शांत रहा। क्या क्या बोले, दाढ़ी मत बढ़ाओ, मुसलमान शांत रहा। मुंब्रा के लोग टेररिस्ट है, मुसलमान शांत रहा। लेकिन अभी शांत नहीं रहेगा। कैसे शांत नहीं रहेगा, मुसलमान गद्दारों के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? गद्दारी कभी सहन नहीं की जाती, क्योंकि जिसका ईमान मुसल है वो मुसलमान है। जिसका ईमान कायम है, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही चाहिए। क्योंकि जिसका ईमान कायम है वो गद्दारी को कभी साथ नहीं देता है। हम भी कायम है हमारे ईमान से, इसीलिए निष्ठावान बोलते हैं ना, ये है हम कभी उनके साथ नहीं जाएंगे। हम कायम है हमारे निष्ठा से, हम कायम है हमारे पक्ष के साथ। इसलिए इस गद्दारों को हम मिटा के रखेंगे, इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज तक इन्होंने जितने होर्डिंग लगाए हमारे पूरे एरिया में, इन्होंने सब होर्डिंग में जो काम दिखाए ना, वो काम प्रत्यक्ष जमीन पे कहीं नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ वो काम होर्डिंग पे दिखाई देते हैं। बताते ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। और एक बात और है मुंब्रा वासियों, सुन लो, एक बात और है, इन्होंने एक भी काम ऐसे नहीं दिखाया जो मुंब्रा वासियों के लिए किया है। एक भी काम नहीं है, एक भी नहीं, आप जाके देख सकते, कुछ भी नहीं किया। ये पता है, ये पता है मुंब्रा वासियों को कि सारे काम किए वो आवार साहब ने किए, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं काम किया। इन्होंने मुंब्रा में क्या, कल्याण लोकसभा में कहीं पे काम नहीं किए। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, एमएमआरडीए का फंड यूज करके कांक्रीट के रास्ते बनाए। वो एमएमआरडीए का फंड भी जब महाविकास आघाड़ी का सरकार थी, सरकार जब थी महाराष्ट्र में,
कभी उद्धव साहब ने उस पर साइन किया हुआ था, अभी ये क्रेडिट ले रहे झूठे लोग। अभी ज्योति दाई ने कहा था ना, झोला लेके चले जाएंगे करके बोला है मोदी जी ने, ये अभी झोला इनकी सबकी झोली चेक की जाएगी, तभी इनको भेजा जाएगा, इनको सबको जवाब देना पड़ेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि सब अपने मेहमानों को भी यहाँ पे बोलना है और उनकी सबकी बातें मुझे भी सुननी है क्योंकि ये सब बुजुर्ग है और एक्सपीरियंस है। लेकिन मुमरा वासियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आज तक मुमरा के लोगों पे जो जो लांछन लगाया है वो मिटाना मेरा काम है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे एक बात बताई उसने कि भाई मुझे उसको क्रेडिट कार्ड लेना था। उसने फॉर्म भरा, ICICI का फॉर्म भरा, क्रेडिट कार्ड चाहिए था करके, लेकिन उसको दिया नहीं क्योंकि उसका एड्रेस था मुमरा, ऐसे उसका एड्रेस था। उसने मुझे बोला कि ताई मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने बोला क्यों, तो बोले मैं मुमरा में रहता हूँ, ब्लैक लिस्टेड है, तो अब की बार मुमरा ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा। वो मुझे पता है, तो ये मुमरा की पहचान हम सब लोगों को बदलनी है। उनको ऐसे लगता है क्योंकि वो लोगों को ऐसे बताते कि मुमरा में ऐसा है, मुमरा में वैसा है, लेकिन जिस दिन से मैं मुमरा में आ रही हूँ तो उस दिन से मुझे मुमरा में इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि पूछो मत, मुझे बात भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि जिस दिन उद्धव साहब जी ने मेरा नाम डिक्लेयर किया, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ शिवसेना की, फिर भी मुझे मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, मुझे खुशी बहुत हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे मेरी मम्मी की याद आई, मेरे पिताजी की याद आई, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा, फिर भी मुझे रोना नहीं आया, मुझे ऐसे लगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक्टिंग नहीं आती ना, एक्टिंग नहीं आती। अभी मैंने देखा कुछ दिनों पहले मोदी जी ने तीसरी बार फॉर्म भर रहे, तीसरी बार, फिर भी आंखों में आंसू है भाई। बेचारे अपने अमिताभ बच्चन एकदम चुप हो रहेंगे, शर्म आती होगी कि भाई मैं भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोदी जी रोने की एक्टिंग तो बहुत अच्छी करे। मोदी जी आपके आंसू तब कहाँ थे जब मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा किया जा रहा था, आपके आंसू कहाँ थे जब हमारी रेसलर बहनें वहां पे जंतर मंतर पर बैठी थी, आपके आंसू कहाँ थे जब सब औरतें वहां पे झगड़ा कर रही थी जंतर मंतर पे, वहां पे आपके आंसू नहीं आए। आपके आंसू कहाँ गए जब आप जसोदा बहन जी को छोड़ के चले गए ऐसे ही बिना बात किए? इसलिए आपके झूठे आंसू आपके पास रखिए। अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस बार कल्याण लोकसभा में क्या जलेगी, मशाल। कल्याण लोकसभा में सिर्फ मशाल। तो मैं मुमरा वासियों को निवेदन करती हूँ कि ये 20 तारीख को सिर्फ मशाल पे वोट डालना और मुझे जिताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते।